हमारे मुल्क पाकिस्तान में हर नौजवान का जो सबसे बड़ा टारगेट या गोल होता है वो है शादी, और ये काम वो बड़ी मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत से सर अंजाम देता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो यकीन करें, गोट फार्मिंग या किसी भी बिजनेस में कामयाब होना आपके लिए मामूली सी बात है। जो बंदा पाकिस्तान में शादी कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे मुल्क में बंदा चाहे लाखों या करोड़ों का मालिक ही क्यों ना हो, मगर वो सारी जिंदगी जहेज में मिले हुए बेड पर ही सोता है और जरा भी शर्म महसूस नहीं करता। हमारे मुल्क के नौजवान शादी का पैसा इकट्ठा करते करते 40 साल के हो जाते हैं, और लड़की का बाप जहेज इकट्ठा करते करते मौत के बिस्तर पर जा पहुंचता है। यहाँ तक कि बेटी की शादी उसकी आखिरी ख्वाहिश बन जाती है कि खुदा करे जीते जी बेटी की शादी हो जाए। आपने अक्सर सुना होगा कि एक कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और वो हाथ ये है कि मर्द बेचारा बर्दाश्त करता है, उसमें बर्दाश्त की सलाहियत होती है। इस्लाम में शादी इतनी आसान है कि कबूल है बोले आपकी शादी हो जाती है, और इस रिश्ते की बुनियाद मजबूती निकाह में है, ना कि घर गाड़ी और जहेज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माजिद शबीर और आपसे मुखातिब हूँ चकवाल गोट फार्म से। पाकिस्तान में हर नौजवान का जो सबसे बड़ा टारगेट या गोल होता है वो है शादी, और ये काम वो बड़ी मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत के साथ करता है। जान की बाजी लगा देता है, मगर उस वक्त तक चैन नहीं लेता जब तक टारगेट अचीव ना कर ले। और इसकी ट्रेनिंग उसे घर से स्कूल लाइफ से ही मिलना शुरू हो जाती है कि पुत्र अच्छे से पढ़ ताकि अच्छी नौकरी मिले और पढ़ी लिखी बीवी मिले। तो बस फिर शेर पुत्र लग जाते हैं, एजुकेशन के बाद मुल्क हो या सात समंदर पार मेहनत मजदूरी के लिए जाना पड़े जाते हैं। 8-10 साल कमाई के बाद घर बना लेते हैं, फिर 4-5 साल मजीद मेहनत मजदूरी के बाद पैसा इकट्ठा करके शादी कर लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हमारा नौजवान 20 साल की उम्र से 35 से 40 साल का हो जाता है शादी तक पहुंचने में। फिर 40 साल की शादी का रिजल्ट ये आता है कि एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में बच्चा होता है। घबराए मत, मैं आपको इसी प्रोग्राम में बताऊंगा कि शादीशुदा बंदा कामयाब बिजनेसमैन कैसे बन सकता है। ये शादी वाले मामलात पहले तय कर लें। हमारी आदत है आसान काम को मुश्किल बनाने की। इस्लाम ने शादी को इतना आसान बनाया है कि आप 3 बार कबूल है बोले आपकी शादी हो जाती है। अब आप सोचें कि हमने शादी का क्या असर किया है। गरीब बंदे की उम्र गुजर जाती है शादी के पैसे इकट्ठा करते करते। शादी का हुसन या इस रिश्ते की मजबूती निकाह में है, ना कि घर गाड़ी बंगले या जहेज में। हमारे मुल्क में एक 20 साल का लड़का शादी के पैसे इकट्ठा करते करते 40 साल की उम्र को पहुंच जाता है, और दूसरी तरफ एक बेटी का बाप जहेज के पैसे इकट्ठा करते करते मौत के बिस्तर पर जा पहुंचता है। यहाँ तक कि बेटी की शादी उसकी आखिरी ख्वाहिश बन जाती है, और वो दुआ करता है कि अल्लाह करे जीते जी बेटी की शादी हो जाए ताकि वो सुकून के साथ मर सके। आपको यहाँ बड़े बड़े शरीफ और इज्जतदार मिलेंगे जो जहेज की खातिर रिश्ते तोड़ते और जोड़ते हैं। आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा, इसमें मैं भी शामिल हूँ। हम लाखों कमा लें करोड़ों कमा लें, मगर हम सोते सारी जिंदगी जहेज में मिले बेड पर ही हैं। हमें ज़रा शर्म नहीं आती। हम इतने गिर चुके हैं कि एक लड़की जो हमारे घर में आ रही है वो पूरे घर का सामान अपने साथ लेकर आए तो हम उसे कबूल करते हैं। क्या हमारे घर में पहले खाने पीने के बर्तन, सोने के लिए चारपाई, फ्रिज, टीवी या फर्नीचर नहीं है? मेरे ख्याल से तो हम लोगों को शर्म करनी चाहिए जहेज लेते वक्त, बल्कि हम लोगों को डिमांड करना चाहिए लड़की वालों से कि हम जहेज नहीं लेंगे। मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि आपके घर में एक लड़की आपकी बीवी की सूरत में आ जाती है तो आपके घर में एक फर्द का इजाफा हो जाएगा, राइट? तो आप बताएं कि एक इंसान के इजाफे से क्या आपको नया घर बनाना पड़ेगा, या उसी पुराने घर में उसके लिए एक चरपाई ऐड हो सकती है? यकीनन हो सकती है, और आपके जो भी हालात हैं आप 2 रोटी एक्स्ट्रा अफोर्ड कर सकते हैं। एक प्लेट, गिलास, बर्तन, सब जो आप पहले से घर में इस्तेमाल कर रहे हैं उसी में आपकी बीवी का गुजारा भी हो सकता है। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो फिर क्यों हमारे नौजवान, हमारी बहनें, बेटियां शादी के लिए बूढ़ी हो रही हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़के वाले डिमांड करते हैं कि लड़की तगड़ा जहेज लेके हमारे घर आए।
और लड़की वालों की ये ख्वाहिश होती है कि लड़का पहले अच्छा बिजनेसमैन हो या कोई अच्छी आमदन वाली नौकरी हो, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो। बिलीव मी, शादी के बाद आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, आपके पैर बनेंगे नहीं बल्कि आपके रिस्क में इजाफा होगा। अल्लाह ताला आपकी बीवी का रिस्क भी आपके जरिए उस तक पहुंचाएगा। एक्चुअली हम दूसरों की बातें, दूसरों पर तन तनकीद, हंसी मजाक किए बगैर रह नहीं सकते, और जब अपनी बारी आती है तो दूसरों को दिखाने के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए हमें गैर जरूरी रस्मों रिवाज और खर्चे करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर गैर जरूरी जहेज का सामान, बड़े खाने, हजारों की दावत, महंगे महंगे सूट, सोने पे लाखों खर्च कर देते हैं, नाचने गाने पे लाखों खर्च कर देते हैं। एक बात याद रखें, हम मॉडर्न नहीं हुए, हम इस्लाम से, हकीकत से दूर हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगियां मुश्किल हो गई हैं। अच्छा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने केपीके के भाइयों को, वहाँ शादियाँ बिल्कुल सादगी से, जल्दी और इस्लामी रस्म और रिवाज के साथ हो जाती हैं, फजूलियात बिल्कुल नहीं है। मेरे बहुत सारे करीबी दोस्त हैं जिनका ताल्लुक केपीके से है। अब आप फ़र्क देखें, वो मेरे हम उम्र हैं, तकरीबन 36-37 साल के हैं, उनके बच्चे 15 से 16 साल के हैं और मेरे बच्चे 5 से 6 साल के, और माशाल्लाह वो बहुत खुशहाल हैं जल्दी और सादगी से शादी करके। ये सारी बातें करने का मकसद ये था कि शायद किसी को समझ या शर्म आ जाए और हम जहेज से जान छुड़ा लें, और लड़कों को भी बड़े घर, गाड़ी और नौकरी के बगैर कबूल कर लें। अच्छा, अब ये बता देता हूँ कि कैसे एक नौजवान जो शादीशुदा है वो कामयाब बिजनेसमैन बन सकता है या जिंदगी की किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकता है। देखें, शादी से पहले आपको अच्छी नौकरी या कोई भी काम करना पड़ता है, घर बनाना पड़ता है, गाड़ी लेनी पड़ती है, अच्छे अखलाक, तमीज़दार बनना पड़ता है। शादी तक पहुंचने के लिए, इस सारे प्रोसेस में कामयाब होने के लिए आपको मुस्तकिल मिजाज बनना पड़ता है, बर्दाश्त करनी पड़ती है, परदेश काटना पड़ता है, नौकरी काम में प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है, फिजिकली मतलब जिस्मानी तौर पर आपको मेहनत करनी पड़ती है, मालिक की मतलब बॉस की सुननी पड़ती है, हर वक्त आपको टारगेट को जहन में रखना पड़ता है कि कहीं भटक ना जाएं, फजूल पैसे ना खर्च कर दें, आप सेविंग करते हैं ताकि आप शादी का जो आपका टारगेट है आप उसको अचीव कर लें। अच्छा, ये जितनी क्वालिटीज़ मैंने बताई हैं ये कामयाब बिजनेसमैन या कामयाब इंसान बनने के लिए काफ़ी हैं, बल्कि आप सब छोड़ दें, अगर इनमें से सिर्फ एक क्वालिटी आप में है तो भी आप कामयाब हो जाएंगे, और वो है बर्दाश्त। आपने अक्सर सुना होगा कि एक कामयाब शख्स के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है, और वो हाथ ये है कि मर्द बेचारा बर्दाश्त करता है, उसमें बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है। सो जो बर्दाश्त करता है उसका घर भी अच्छा चलता है और कारोबार के मामलात भी, और जिस शख्स में बर्दाश्त नहीं होती उसके घर में भी हर वक्त रोला डला रहता है और कारोबार के मामलात भी उलझे रहते हैं, और वो घर बिजनेस दोनों में फेल हो जाता है, मतलब उसके पीछे एक औरत का हाथ नहीं होता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।